अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे प्यारे यूट्यूब की फैमिली का। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो जी बहुत देर हो गई है, आज तकरीबन रात ही होगी हुई है, बस बहुत बिजी थी मैंने मोबाइल पकड़ा ही नहीं और मैंने वीडियो स्टार्ट ही नहीं की। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और अभी भी एक दो कस्टमर्स की कॉल आई हुई है कि हम लोग आएंगे, तो देखें वो आते हैं या नहीं आते। खैर के भी कई कस्टमर्स नहीं आते, तो मैंने कहा मैं ब्लॉग को स्टार्ट करूं। और आज मैंने काफ़ी जल्दी सोची हुई थी एक रेसिपी, मैंने हम लोग को कल भी कहा था कि मैं बनाऊंगी। मैं बहुत पुरानी वो रेसिपी है, वैसे बहुत पुरानी है मिठाई, लेकिन मैं भी बनाती होती थी पहले, काफ़ी टाइम के बाद बनाना शुरू कर रही हूँ, दोबारा बना रही हूँ आज। तो चलिए जी अब किचन में चलते हैं, तो वहाँ जाके मैं जिस तरीके से मैं बनाती हूँ थोड़ा इस दफ़ा चेंज कर रही हूँ, आप लोगों से शेयर करूँगी। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट लास्ट में करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू आने वाले। और चलिए जब किचन में चलते हैं, मैं बना रही हूँ, आपको मैं पहले बता दूँ मैं बना रही हूँ जरदा चावल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जाके किचन में। इधर मैंने पानी गर्म करने का रखा हुआ है एक बर्तन में, तो इसके अंदर जो है ना मैं डाल दूंगी ये बादाम, ठीक है, ताकि ये ना बॉयल हो जाए। ये मैंने डाल दिए बादाम और साथ में मैं ये डाल दूंगी नारियल, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। फिर बादाम के छिलके उतार लेंगे और इसको ना कद्दूकस कर लेंगे या जितने भी रखना हुआ स्लाइसेस में कर लेंगे, ठीक है। मैंने कहा कि ना जब तक मैंने चावल साफ़ किए हैं, ये दूध मैंने गर्म करने को रखा हुआ है, दूध भी हमारा आया हुआ था, थोड़ी आँच इसकी भी तेज़ कर दूँ ताकि जल्दी गर्म हो जाए। ये दूध गर्म को रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने चावल रखे हैं भिगो के, तो चावल थोड़ा अनसब देर से लेके आया है क्योंकि अनसब से मैंने सामान मंगवाया है शाम को, वो गया था तो उसके ऊपर अपने भी कुछ काम थे इसलिए वो देर से वापस आया। तो फिर मैंने कहा कि चले, फिर मैंने पानी गर्म किया है, मैंने गर्म पानी में भिगोया, मैं कहा चलो एक घंटा तो भिगोऊँ ना। ये सेला चावल हैं, पक्की बासमती सेला चावल हैं, तो अगर मतलब कि नॉर्मल पानी में करें तो तीन घंटे भिगो के रखें, तो मेरे पास टाइम कम है, मैंने गर्म पानी करके किया है। और यहाँ मैंने ये ना बादाम और नारियल रख दिया है कि जब तक चावल थोड़े भीग जाएं तो मैं इनको कर लेती हूँ बॉयल करके, सॉफ्ट हो जाएंगे, छिलका उतार लूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं, पहले लोग बहुत खाते होते थे शादियों के, मैं बहुत वाले स्टाइल का मैं बना रही हूँ, बहुत अच्छे बनते हैं। मैं खुद पहले काफ़ी बनाया करती थी, अब मैंने छोड़ दिए, अब काफ़ी दिनों का सोच रही हूँ, टाइम नहीं लग रहा था, आज मैंने आखिरकार पक्का कर ही लिया था कि मैंने चावल जरदा बनाने ही बनाने हैं। पानी मैंने उबलने को रख दिया हुआ है, तकरीबन इसका बॉयल आने ही वाला है। इसमें मैं अब डाल दूंगी 6-7 हरी इलायची और 4-5 लौंग और 2 बादियान के फूल। ये चीज़ें जो है ना इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है, ये खुशबू के लिए है। तो अब जब थोड़ी देर में पानी जब अच्छी तरह से उबलने लगेगा तो फिर मैं इसमें ये जो सौंफ की हुआ है ना ये चावल डाल दूँगी। और ये बिल्कुल बहुत अच्छे से, मेरे कस्टमर आ गए, मुझे देर हो गई तो चावल देखें बिल्कुल वाइट बन गए हैं, ये यही निशानी है कि अच्छे ये ना सोप हो गए हैं, ये चावल सब वाइट हो गए हैं। अब ये इसमें जर्दे का रंग डाल देना है, इसी पॉइंट में डालना है ताकि सारे चावलों को एक जैसा रंग आए। अगर हम शीरे में डालेंगे बाद में डालेंगे ना तो फिर सही कलर नहीं आएगा, ये पानी में ही हमने डालना है पहले कलर। अभी इसमें मैं चावल डाल देती हूँ, देखिएगा चावलों का कितना प्यारा कलर आएगा। अब जी इसमें चावल डाल देते हैं। जी बेटा मीठे चावल बना रही हूँ, जरदा चावल खाओगे? हाँ। चलो सही, बस जरदा चावल, ठीक है, बस बनने वाले हैं, थोड़ी देर लगेगी। तो अब जी इसको हम बॉइल कर लेंगे, हमने पूरे फुल बॉयल नहीं करने, हमने तकरीबन 60-70% समझ लें बॉयल करने हैं, तीन करी जिसे बोलते हैं उतना, बाकी जो है ना फिर शीरा जब बनाएंगे ना तो कुछ फिर थोड़े शीरे में भी ये गलेंगे, अगर फुल गला लिए तो फिर वो घुल जाएंगे। उसे मैं भी काफ़ी देर के बाद बना रही हूँ, देखती हूँ मेरे चावल कैसे बनते हैं अंदर का। वही बर्तन मैंने ले लिया मैं जिसमें चावल बॉयल किए थे, इसमें मैंने एक जो है ना वो कप घी का डाल दिया है, आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं। और इसी के अंदर
नहीं नहीं बना। और इसे के अंदर मैं डालूंगी एक कप दूध, और ये चीनी है। एक किलो चावलों में एक किलो चीनी जाती है, तो कुछ लोग थोड़ी कम भी डालते हैं। मैंने थोड़ी सी बचा ली हुई है, देखूंगी बल्कि नहीं डालूंगी, थोड़ी सी मैं एक से ना एक किलो से कम डाली है चीनी। अब इसमें ये चीनी डाल देंगे और इसको करेंगे मिक्स। शीरे वाला काम नहीं है, बस ये शीरा शुरा एक तार दो तार तीन तार नहीं बनाना, बस सिर्फ चीनी को जो है ना हमने मेल्ट करना है, तो फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। ये लौंग है, ये सही बने, काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ मैं, और थोड़ी सी रेसिपी मैंने चेंज बनाई है इस दफ़ा। पहले मैं ना बस चावल बॉयल करके निकाल लेती थी, फिर बाद में बस किसी दूसरे बर्तन में ना पतीले में घी डाल के, तो थोड़े से चावल डाल जिस तरह लेयर लगाती है ना, थोड़े चावल थोड़े चीनी थोड़े चावल थोड़े चीनी थोड़े चावल ऐसे करती थी। ये लौंग है, मैंने कहा निकाल दूँ, क्योंकि मेरे तो घर वाले भी ऐसे हैं कि कोई भी मसाला हो कोई भी चीज़ हो ना तो नहीं खाते। अब जो दूध और शीरा है ना, इसको हम थोड़ा सा तेज़ आंच में पकाते हैं, फिर बाद में ड्राई फ्रूट डाल के इसको दम पे रख देंगे। पहले पानी इसका ना थोड़ी तेज़ आंच, हाँ दम पे तेज़ आंच पे करते हैं, हाँ जी दम पे देते हैं। पता है ना आपको कि बिरयानी भी ऐसे बनती है दम पे, तो कह रहा फिर बन जाएगी, बहुत शौक है बड़ा, ये देर से लगा हुआ है, कब बनेंगे कब बनेंगे कब कब बनेंगे कब खाएंगे। अभी बस दम पे लगाऊंगी ना, तो बस फिर 15 मिनट का दम होगा, 20 मिनट का दम होगा, फिर खा लेंगे, हाँ जी फिर खा लेंगे। जी 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 तेज आंच पे, जी 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 मुझे पता है मेरे बच्चों ने चावल तो चाय खा ही लें, ये जो है ना ड्राई फ्रूट नहीं खाएंगे। और ये बादाम, बादाम और ये मैंने भून के रख दिए थे, ये देखिए क्या इतने सारे अब इसको मैं दम पे रख दूंगी 15-20 मिनट के लिए, दम पे रख देंगे। गैस भी हमारी चली गई है, मैं दम पे रख के चली गई तो मुझे नहीं पता किस टाइम गई है, पर अच्छे बन गए हैं, दम सही आ ही गया। खाओगे हम सब? यस जरूर। या नहीं? नहीं नहीं खाऊंगा, इसमें ड्राई फ्रूट है ना, मुझे गैस चली गई है, लेकिन अगर 5 मिनट दम और आता ना तो फिर भी सही था, लेकिन चलेगी, बहुत मज़े के हैं। अब मैं इसको प्लेट में डालूँ, ठीक है, पप्पो के घर में भी तुम दे आना, ठीक। पहले ये जो हमने ये मेरी प्लेट तैयार हो रही है इतनी बड़ी, ट्राई करिएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक करें वॉच करें कमेंट किया करें, बहुत मज़े के बने हैं। बहुत गर्म है प्लेट, चलें चलें डालें डालें वाह वेरी गुड निकाल दिए ना, बुरयानी की प्लेट देखें, कोई भी चीज़ नहीं है, ना बादाम है ना किशमिश है और ना ही खोपरा है, ये सब खोपरा खोपड़ी, ये कैसे हंस रहा है, कह रहा पता नहीं खोपरा क्या चीज़ है, सारे अपने बाबू को दे रही हैं। अच्छा बाप भी नहीं खा रहे हैं? मैं अलग खाऊँ, बाद साइड से बाद में खाऊँ, बाद में खाओगे, झूठ ना बोलो। नहीं यार।
मुझे पता ये भी नहीं खाएगा कि ड्राई फ्रूट खाते नहीं है, मुझे पता है, बस मैंने डाल तो दिए। मैंने कहा फिर आप उसके बिना अलग से खाली चावल ही हो, क्या फायदा। अच्छा आपके और भाई के कपड़े सेम सेम है, है ना, देखा है, सेम सेम कपड़े हो गए, सेम सेम हो गए। चलो जी ठीक है, चावल बहुत अच्छे बने, चावल अच्छे लगे कि नहीं लगे, सही बने, बड़े बहुत देर के बाद मैंने ये बनाए मीठा जरदा, बहुत टाइम के बाद। चले मैं भी अब खाऊं, खत्म कर देंगे ये लोग।